आखिर कैसे राजस्थान में लगभग 1.5 बीघा ज़मीन धस गई? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। YouTube पर आपको इसकी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें कुछ लोग इसको एलियंस के द्वारा किए गए कुछ गतिविधि बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं कि भगवान विष्णु का यहाँ पे सुदर्शन चक्र यहाँ पे लैंड हुआ, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। लेकिन आज हम आपको बिल्कुल इसकी सही जानकारी देंगे कि आखिर ये हुआ क्यों और आखिर भारत के साथ साथ दुनिया के कई शहरों को कैसे ज़मीन धंसने के कारण नुकसान झेलना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर में लगभग 16 अप्रैल को 1.5 बीघा ज़मीन धंस गई थी, जिसके बाद यहाँ के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जांच करने के लिए पहुँच गई थी। ज़मीन धंसने को लेकर टीम सर्वे ने जांच रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें उन्होंने इसके कारण को साफ साफ बताया था और अब हम आपको वो कारण साफ साफ बताएंगे। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके की ज़मीन से अलग अलग रिसोर्सेज में पानी निकाला गया है। जी हाँ, साथ ही इस इलाके में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और भूजल रिसर्च की भी व्यवस्था सही नहीं है। इसके अलावा इलाके में कम बारिश होना, ये सब ज़मीन के नीचे धंसने के कारण है, जिसके कारण इसके यहाँ पर ज़मीन इतनी ज़्यादा नीचे धंस गई। आखिर बात की जाए तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर नीचे किसी ज़माने में पानी हुआ करता था, जिसके बाद ये पानी नीचे सूख गया। उसके बाद यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हुआ, जिसके कारण यहाँ पर ज़मीन पहले तो ठीक रही, लेकिन जब वो वैक्यूम टूट गया तो उसके बाद ये ज़मीन नीचे धंस गई। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किस किस शहर में ये काम और हो रहा है। तो उसे न्यूयॉर्क शहर धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अटलांटिक महासागर में डूब रहा है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में दिखाया है कि शहर 0.4 और 0.8 से रेंगता हुआ हर साल समुद्र तल की ओर रेंगता जा रहा है। समुद्र के बढ़ते स्तर और तीव्र तूफानों के साथ मिलाकर इसे विनाशकारी बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है और आने वाले समय में ये डूब भी सकता है। और दुबई की तो क्या ही बात करूं मैं, दुबई में भी पिछले कुछ दिनों में क्लाउड सीडिंग के चलते वहां पे इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि जिसके कारण दुबई शहर पूरा तरह डूब गया था। वो तो भगवान की कृपा से बच गया, नहीं तो आज दुबई को डूबता हुआ ही माना जाता, जैसे द्वारका डूबी है हमारी। लेकिन द्वारका के पीछे तो कुछ स्पिरिचुअल कारण है, जिसके बारे में हम वीडियो और बनाएंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इसके कारण पसंद आए हों और आपको रिपोर्ट्स देखने में कुछ अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा।